हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम बैक टू इन अनदर वीडियो। गाइस, पिछले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। एक तो यार ग्राफ्टिंग जो है वो सूख जाती है, दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर बहुत हाई है और ग्राफ्टिंग जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती। जिस तरह से ये ग्राफ्टिंग है, हल्का एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत जो है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं होते। जो मेरी दो ग्राफ्टिंग जो है वो सूख गई हैं, दो प्लांट्स भी सूख गए हैं। टेम्परेचर हाई होने की वजह से दो दिन के अंदर ही ग्राफ्टिंग उग गई हैं। बेसिकली सूखने की वजह यह है कि प्लांट्स में नमकियात की कमी की वजह से, क्योंकि रेत में बहुत ही कम नमकियात होते हैं और गर्मी की वजह से हीट अप जल्दी हो जाती है। तो दो प्लांट्स मैं दिखाता हूँ आप। अच्छा गाइस, ये जो कलम है ये दशहरी वैरायटी की है और ये जो कलम है चौंसा वैरायटी की है। अब ये मैंगो प्लांट जो है वो कम्प्लीटली सूख गया है। ये जो ग्राफ्टिंग है दशहरी वैरायटी है और ये प्लांट भी सूख गया है। और ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। और ये मेरे साथ हर साल होता है, गर्मियों के मौसम में 4 से 5 मेरे प्लांट जो हैं सूख जाते हैं और हर साल मुझे नए प्लांट लगाने पड़ते हैं। ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो वहाँ पे ऐसा हो जाता है, प्लांट सूख जाते हैं। तो मेरे इलाके का टेम्परेचर थोड़ा हाई लेवल पे होता है। टेम्परेचर जो है इस बार 50 पे गया है, पिछले साल की नस्बत टेम्परेचर हाई गया है। पिछले साल जो मैंने ग्राफ्टिंग की थी उनमें से एक ने फ्लावरिंग की है और अभी जो है उसमें फ्रूटिंग है। यहाँ पे होम गार्डन भी नहीं सक्सेस हो सकता, गर्मी के ज़्यादा होने की वजह से होम गार्डन को नहीं कामयाब किया जा सकता। गाइस, इसी बात को देखकर मैंने एक न्यू टेक्निक का उजरा किया है, काफ़ी कमाल की टेक्निक गर्मी से ग्राफ्टिंग को बचाने के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉलीथीन है वो ट्रांसपेरेंट होती है, गर्मी को नहीं रोक सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस हारमोन का क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन हारमोन, अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, इसका बेसिक फंडा ये है, ये जो है बैरियर के तौर पर काम करे, यानी हीट को कलम पर हावी नहीं होने देगा, बचाए रखेगा। और अमूमन 1-2 वीक के अंदर हमारी कलम जो है कोंपले निकाल लेती है। तो आज जो हम 4 डिफरेंट ग्राफ्टिंग करेंगे एक ही प्लांट पर, तो चलिए सबसे पहले ब्रांचेस लेके आते, लेट्स गो। तो गाइस, हम आ चुके हैं फार्म हाउस पे और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे जो वैरायटीज़ हैं। यहाँ से हम 4 जो है वो ब्रांचेस लेंगे, तो एक एक करके देखते हैं कि कौन सी ब्रांच अच्छी है ग्राफ्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बात बता चलूँ, ये जो है मैंगो ये ग्राफ्टिंग हुई है, एक जो है यहाँ पे ग्राफ्टिंग है, मल्टीपल ग्राफ्टिंग हुई हुई है। गाइस, यहाँ ग्राफ्टिंग करने के लिए जो कलम है वो ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फ्लावरिंग के मौसम में और फ्रूटिंग के मौसम में जो है ब्रांचेस का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पे काफ़ी देर लगेगी। फाइनली जो हमें एक ब्रांच मिल गई है, बर्ड्स हैं जो कि ग्राफ्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। एक और ग्राफ्टिंग मिल गई है, इस पर जो है एक ही बर्ड है, डार्क ग्रीन है, इससे भी जो है ब्रांच कटी हुई है। तो भाई तीसरी ब्रांच भी मिल गई है, सिंदरी वैरायटी है, एक्ट करते हैं। फोर्थ ग्राफ्टिंग भी हमें मिल गई है, एक ही बर्ड है, डार्क ग्रीन है, काफ़ी अच्छी ब्रांच है,